सिवान सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एक दिवसीय धरना दिया। धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार के द्वारा लगातार उनको अनदेखा किया जाना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जब आशा कार्यकर्ताओं ने एक लंबा धरना दिया था, तब उनकी कुछ मांगों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा सहमति बनने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि सिवान सदर अस्पताल में आशा भवन को भी यह कहकर बंद कर दिया गया है कि उसमें गलत काम होता है। इस मौके पर एक वर नेता सोहला गुप्ता ने कहा कि महिलाओं पर इस तरह के आरोप लगाकर आशा भवन को बंद कर देने काफ़ी निंदनीय है और इसकी घोर निंदा करती हूँ। एक दिवसीय धरना पे आप लोग बैठी, आज आशा कार्यकर्ता संघ का एक दिवसीय धरना है और मैं इस धरना में कहना चाहूँगी कि लाखों के संख्या में बिहार में विभिन्न तबकों में आशा रसोई आंगनबाड़ी आज काम कर रही हैं, परंतु उनके उचित मानदेय भी नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर हम आशा की बात करें तो ये सर्दी गर्मी बरसात एक दिन का पेट में बच्चा से लेकर 5 साल तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक उनकी देख रेख करती हैं, बदले में इनको उचित मानदेय भी नहीं मिलता। अभी बहुत लड़ाई भिड़ाई के बाद 1000 रुपये जो मानदेय आपने सुना वो भी अभी आया नहीं, उसको लेने के लिए अभी कमीशन लगा है, उसके बाद भी नहीं आया। ये तो दूर की चीज़ें हैं। इस समाज में जब महिलाएं आगे निकल रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो महिलाओं को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगा देना बड़ी आराम से लोग लगा देते हैं। और जब मैंने सुना कि आशा बहनें हमसे बता रही थी कि मंगल पांडे के सामने अब DS है कि डॉक्टर थे, ABCD मैं नहीं जानती हूँ, पर जिस किसी ने भी ये कहा है कि हम इसलिए आशा भवन नहीं खोलते हैं कि उसमें गलत काम करते हैं, तो मैं ऐसे डॉक्टर ऐसे DS की नौकरी ख़त्म कर देने के लिए हम यहाँ पर हम बैठे हुए कि नौकरी ख़त्म होना चाहिए। वो एक महिला को नहीं बोले हैं, एक आशा को नहीं बोले हैं, पूरे बिहार के आशा और पूरे महिला समाज को बोले हैं। इसलिए इस शब्द में जो जितनी भी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए कम है, इसलिए आशा भवन तत्काल खोलना चाहिए, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो इनको कम से कम उचित मानदेय देना चाहिए, वो भी नहीं है। और आप देख लीजिए, इनके लिए सरकारी कर्मचारी नहीं है, परंतु इनमें चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, 60 साल के बाद इनको हटा दिया जाता है। कौन सी भाई ये कानून है कि एक तरफ आप सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी नहीं देंगे और दूसरी तरफ इनको 60 साल पर हटा भी देंगे और दूसरी तरफ इनको चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे। ये एक साथ गलत नहीं चलेगा। इस गलत काम का हम लोग विरोध कर रहे हैं और जो हमारे CS बैठे हुए हैं, हम लोग आज मिलेंगे और आशा भवन खुले और जिस डॉक्टर ने चाहे जिसने भी कहा है कि गलत काम होता है इसलिए बंद है, उसको पहले दंडित करें, उस पर कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आज तो सिर्फ हम धरना पे बैठे हैं। आने वाला समय में हम 16 और 17 को हम लोग पटना जा रहे हैं और विधायक लोगों से, हमारे जो विधायक है भाकपा माले का, इस सवाल पर विधानसभा में भी हंगामा होगा और बाहर भी होगा, ताकि वह ऐसा फिर भविष्य में किसी डॉक्टर की हिम्मत महिलाओं को चरित्र को लेकर ऐसी टिप्पणी ना करे। अपना परिचय, सोहिला गुप्ता, एपोआ और जिला पार्षद नौतन से हैं, बिहार राज्य विद्यालय रसोई संघ के प्रदेश अध्यक्ष। किन मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना पे आप लोग बैठे? पिछले साल 2018 के 1 दिसंबर से लेकर के 2019 के जनवरी तक, 10 जनवरी तक लगातार 38 दिन आंदोलन चला, जिस आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव से वार्ता किए, जिस वार्ता में उन्होंने हमारे 12 सूत्री मांग पर उन्होंने अपने सहमति जताए, जिसमें था कि 1000 रुपया ऐसा कर्जकर्ताओं को बिहार सरकार देगी, 1000 रुपया कैसे, 1000 मानदेय के रूप में 1000 रुपया सरकार बिहार सरकार देगी। फिर इस तरह का 12 सूत्री मांग था, लेकिन बिहार सरकार इस पर अपना सहमति जताई। फिर आशा कार्यकर्ताओं के लिए PHC से लेकर सदर तक आशा भवन पर बात हुआ कि आशा भवन सदर और PHC में बनेगा, लेकिन इस भवन के बारे में आपसे बता दें कि पूरे सिवान में
एकमात्र सिसवन में बना हुआ है ऐसा भवन, एक बढ़हरिया में, बाकी और कहीं नहीं बना है। और सदर में कहा जाए कि जो आशा भवन है उस पर उसमें ताला लगा हुआ है। यहाँ के CS DS कह रहे हैं, जब हमारी आशा भवन मांग कर रही थी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कह रही थी कि हम लोग का जो स्पेशल भवन है उस भवन में ताला लगा हुआ है। तो लेकर के आप लोग CS साहब से बात नहीं किए? जी, हम उसी सवाल पर बैठे हुए हैं और आज बात करेंगे CS और DS साहब से। तो उन्होंने इतने गलत शब्द के इस्तेमाल करते हुए जवाब दिए कि इसलिए हम ताला लॉक किए हैं कि आशा लोग उसमें गलत काम करती हैं। इस DS और CS साहब की इतनी हिम्मत कहां से आ गई है कि आशा कार्यकर्ताओं के बगैर जांच के उन्होंने गलत चार्ज लगाए हुए हैं। दूसरी बात, हम 1000 रुपया जो बिहार सरकार देने का घोषणा की है, उस 1000 रुपया में कहिएगा तो पूरे बिहार में 500 रुपया से लेकर 700 रुपया घूस लिया जाता है और तब उनका पैसा देने दिया जाता है। हम इस घूसखोरी के विरोध में बैठे हुए हैं और इसलिए हम चाहेंगे कि रोक लगावे और महिलाओं के साथ जो गलत शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर रोक लगे और जो इस तरह से गलत चार्ज लगाए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। CS साहब गलत वर्ड का इस्तेमाल किए, इसको लेकर के वरीय अधिकारियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम बड़े सदर के बड़े पदाधिकारी से इस पर बात करना चाह रहे हैं कि जो इस तरह के गलत शब्द बोले हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि एक की आशा को नहीं बोले हैं, पूरे सिवान की आशा के बोले हैं, पूरे बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के बोले हैं। इसलिए इस तरह का गलत शब्द को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ नहीं बर्दाश्त करेगा।